गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। सो वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 13। हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 का नेम क्या है? द फर्स्ट सिविलाइजेशन, दैट इज हरप्पा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने आगे दो क्लासेस इस चैप्टर की कर ली है। ये है पार्ट 3, थर्ड क्लास हम लोग इसकी करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग हरप्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे 91 पेज नंबर पे आ जाएं, सब एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ फटाफट। चलो, स्टडी शो दैट सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव एग्जिस्टेड फॉर द केयर ऑफ द डेली नीड्स ऑफ पीपल। तो स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि कुछ उस दौरान सरकार या फिर कुछ लोग जो होंगे वो प्रतिनिधित्व करते होंगे अपने प्रजा का, ताकि वो लोगों का ख्याल रख सकें। तो उसमें सबसे पहले कौन हुआ करते थे? रूलर्स। फर्स्ट रूलर थे रूलर्स। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वेल्दी मर्चेंट्स और प्रीस्ट मस्ट हैव रूल्ड द सिटीज़। तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग रिच होंगे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा हुआ करता होगा, या फिर प्रीस्ट, वो लोग जो लोग ज्ञान बांटते हैं वो लोग रूल करते होंगे सिटीज़ पर। सिंस वी आर अनएबल टू रीड द स्क्रिप्ट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट द हरप्पन्स हैड। अब उनके स्क्रिप्ट को तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लैंग्वेज के बारे में हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग इस बात का भी पता नहीं लगा पाते हैं। However, the kind of control in administration, planned towns, uniformity in objects and lifestyles indicate some kind of control by a central government. तो हमें ऐसा पता चलता है कि जो उस टाइम पे जो planned towns हैं ना, शहर इतने planned वे में हैं, uniformity है, सब कुछ एकदम well arranged है और उनकी lifestyle बहुत ही अच्छी है। मतलब ये सब कब कब हो सकता है? जब कोई government exist करती होगी उस दौरान। सम स्टैचूज ऑल्सो शो डिफरेंस इन ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स। तो कुछ स्टैचूज में हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? डिफरेंस दिखाई पड़ता है ड्रेसेज और ऑर्नामेंट्स में। प्रेजेंस ऑफ अ सीटाडेल ऑल्सो इंडिकेट्स एन अपर एंड अ लोअर क्लास। ठीक है, तो सीटाडेल में हमको ये भी पता चलता है कि अपर और लोअर क्लास भी वहाँ पे होते थे। तो अपर क्लास के लोग क्या करते होंगे? देवर द रूलर्स। सो वी मे से दैट अ रूलिंग क्लास डेड एग्जिस्ट, However, in what form is not known to us. तो हम ये कह सकते हैं कि ruling class तो होती थी, लेकिन किस form में थी ये हमें नहीं पता। No more. By 2200 BC, Harappa had become a city with a population of 80,000 people. अब इस दौरान क्या हुआ? हरप्पा में 80,000 के लगभग लोग रहते थे। Over the course of 700 years, almost 1500 Harappan settlements were scattered over the northwestern region of the subcontinent. लेकिन 700 साल के दौरान क्या हुआ? 1500 हरप्पन सेटलमेंट्स जो थे वो क्या हो गए? स्कैटर हो गए और फैल गए और वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए। ट्रेडर्स। व्यापारी। अब व्यापारी क्या कैसे होते होंगे उस दौरान? द सिटीज मस्ट हैव ट्रेडेड विद ईच अदर एज वेल एज द आउटसाइडर्स, बिकॉज हरप्पा ले ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ सेवरल ट्रेड रूट्स। तो उस दौरान हरप्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने बिजनेस भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यापार के उस टाइम पे रोड्स जाते थे हरप्पा सिविलाइजेशन से, मतलब हरप्पन पीपल जहाँ पे लोग रहते थे। देयर वर ट्रेड लिंक्स बिटवीन बलूचिस्तान एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान। ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द ट्रेडर्स फ्रॉम दीज रीजन्स ब्रॉट इन कॉपर टिन एंड लैपिस लज़ौली। और ऐसा हम लोग कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो ट्रेडर्स थे वो क्या लाते होंगे अपने साथ? कॉपर, टिन या लॉपिस लज़ौली लाते होंगे फॉर द यूज़। हरप्पन ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड फाइनली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स टू मेसोपोटामिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया एंड ब्रॉड बैक प्रेशियस मेटल्स एंड रॉ मटेरियल्स इन रिटर्न। ठीक है, तो हरप्पन जो ट्रेडर्स थे वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या भेजते थे मेसोपोटामिया, ईरान और सेंट्रल एशिया में? प्रोडक्ट्स भेजते होंगे और उसके बदले में क्या लाते होंगे? मेटल्स और रॉ मटेरियल्स। देयर हैव बीन मॉडल्स ऑफ कार्स एंड बोट्स विच सजेस्ट दैट दे यूज्ड बोथ रोडवेज एंड वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्ट।
तो हमें इन सब चीज़ों से ये भी पता चलता है कि रोडवेज से भी वो लोग जाते थे कार्ड्स के द्वारा, और बोट्स वगैरह से ये पता चलता है कि वो लोग वाटरवेज भी इस्तेमाल करते होंगे. मैनी टाइप्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हैव बीन फाउंड. देखो वेट्स और मेजर्स क्या होते हैं, तराजू हो गया आपका मेजर्स, ठीक है, और वेट्स हो गया आपका बटखरा. तो देखो कैसे तराजू और बटखरे वहाँ पे बने पड़े हुए हैं, वो अलग अलग केजी के होंगे, या फिर वो लोग जो भी टाइप ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते होंगे, है ना. ज़रूरी तो है नहीं कि वो लोग केजी यूज़ करते होंगे, ग्राम यूज़ करते होंगे, ये सब तो ऐसा यूनिट है वेट की. चलो, अ डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड एट लोथल विच शोज दैट हरप्पन्स वर फैमिलियर विद शिप्स. तो डॉकयार्ड हमें ये बताता है कि हरप्पन्स जो थे वो शिप्स के साथ भी फैमिलियर थे, वो जहाज को भी जानते थे. सोशल लाइफ के बारे में जान लेंगे क्या होता था उस दौरान. स्टडीज ऑफ वेरियस साइट्स शो दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्शंस. सोसाइटीज जो थी वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड थी. लोअर क्लास कंप्राइज द प्रीस्ट, रूलर्स, फिजिशियंस एंड अदर ऑफिशियल्स. तो वो लोग क्या थे, वो लोग ज्ञानी पुरुष थे, वो लोग प्रीस्ट हुआ करते होंगे या फिर रूलर्स हुआ करते होंगे ना. कॉमर्शियल क्लास जो कि व्यापार करते थे वो कौन होते होंगे, देवर द डोमिनेंट. मर्चेंट्स मस्ट हैव बीन वेल्दी. जो ट्रेडर्स हुआ होते करते होंगे, बिजनेसमैन जो होते होंगे वो क्या होते होंगे, अमीर होते होंगे. अमंग द आर्टिसंस पॉटर्स एंड ब्रॉन्ज स्मिथ्स वर मोर इम्पॉर्टेंट. पॉटर्स ब्रॉन्ज स्मिथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे क्योंकि यही तो उस टाइम पर मिलता था, मिट्टी के बर्तन बनते थे या तो ब्रॉन्ज के. एज दीज वर द लेटेस्ट क्राफ्ट्स ऑफ दैट टाइम. स्ट्रक्चरल रिमेन्स ऑफ द हाउसेज ऑल्सो इंडिकेट दैट क्लास डिफरेंसेज एग्जिस्टेड इन हरप्पन सोसाइटी. चलो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या करते थे बोलो. ये समझ लेंगे. ड्यूरिंग द स्टडी नो टेम्पल्स और श्राइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड. तो स्टडीज के दौरान कोई भी मंदिर को या फिर हमें कोई भी ऐसा मूर्ति वगैरह में नहीं मिलता है. बट मैनी क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड. लेकिन जो मूर्ति, मिट्टी की जो मूर्ति बनाई गई है मदर गॉडेस, देवी माँ की, वो मिलती है हमें. पिक्चर्स ऑफ अ हम्ड बुल, डोव एंड पीपल ट्री रिकरिंग ऑन देयर सील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट दैट दीज वर ऑल देयर फेवरेट्स. ठीक है, तो कौन कौन से पिक्चर्स, हम्ड बुल, डव, पीपल ट्री, ये सब जो लीव्स पे उन लोगों ने बनाई थी ना सील्स पे अपने, ये हमें पता चलता है कि इनके ये फेवरेट आइटम्स होते होंगे, इनको ये लोग मानते होंगे. थ्री हेडेड मेल डाइटी विद अ हॉर्न सिटिंग इन अ योगिक पोजिशन, वन फुट प्लेस्ड ऑन अनदर एंड सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स इज ऑल्सो बीन फाउंड. तो अंडरलाइन कर लीजिए कैसा स्टैचू है ये. थ्री हेडेड, एक आदमी, एक मेल पर्सन जिसके तीन सर हैं, डाइटी विद अ हॉर्न, ठीक है, सिटिंग इन अ योगिक पोजिशन, योगिक पोजिशन में बैठे हुए. देखो फिगर, देखो इमेज ऑफ अ मेल डाइटी, वन फुट प्लेस्ड ऑन अनदर, एक पैर पे दूसरा पैर रखा हुआ है, एंड सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स, और वो घिरे हुए हैं बहुत सारे जानवरों से. ये भी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान में पता है. दिस कुड इंडिकेट पशुपति हु वॉज प्रोबेबली लेटर अडॉप्टेड अ शिव एंड हुम हिंदूज वर्शिप इवन टूडे. यही कौन थे, ऐसा हम लोगों को अनुमान लगाते हैं कि ये पशुपतिनाथ हम लोग मानते होंगे इनको, जो कि जिनको हम लोग बाद में शिव भगवान के नाम से जानते हैं, जिनकी हम लोग आज भी पूजा करते हैं, हिंदूज उनकी आज भी पूजा करते हैं. सम फायर अल्तार्स कंटेनिंग ऐश हैव बीन फाउंड एट बनवाली, लोथल एंड कालीमंगल. कुछ फायर अल्तार्स भी हमको मिलते हैं, उनके हमें राख मिलती है कहाँ कहाँ पे, बनवाली, लोथल और कालीमंगल में. चलो बरियल्स पे आ जाओ. कैसे दफनाते थे वो लोग जब लोग मर जाते थे. हरप्पन्स बरीड देयर डेड विथ पॉट्स एंड अदर बिलोंगिंग्स इन ह्यूज अर्न्स. ठीक है, बड़े बड़े भारी भारी बास्केट होता होगा जिसमें वो लोग मृत व्यक्ति को सुला देते होंगे, और उसके साथ जो वो पॉट वगैरह में खाते थे, जिस बर्तन में खाते थे, उसी के साथ उनको सब दफना देते थे. दिस इंडिकेट्स दैट द हरप्पन्स बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. इससे ये समझ में आता है कि हरप्पन्स भी
ये मानते थे कि हाँ भाई मृत्यु के बाद भी जीवन है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा से मिलने का जो उसका रास्ता है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का रास्ता वो है। एट अदर टाइम्स दे क्रीमेटेड द डेड एंड आफ्टर द क्रीमेशन द बोन्स एंड एशेस वर बरीड इन स्पेशल पॉट्स। कुछ जगहों पर क्या होता था, वो बोन्स और एशेस को क्रीमेट कर देते थे और फिर उसके बाद स्पेशल पॉट्स में ले आकर के उसको बरी कर देते थे, गाड़ देते थे। मैनी स्केलेटल रिमेन्स एंड अर्न्स विद एशेस हैव बीन फाउंड। चलो अब डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। अंत कैसे हुआ ये देखेंगे। देयर वर मेनी थ्योरीज अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दिस रिच सिविलाइजेशन विच केम टू एन एंड अराउंड 1500 BCE। चलो हियर आर सम थ्योरीज विच सजेस्ट द रीजन दैट ब्रॉट इट्स एंड। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज हमें बताती हैं कि कैसे इसका अंत होता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दीज सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्स्टेंट अटैक ऑफ द इन्वेडर्स हु कुड हैव बीन आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो कुछ हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि जो आर्यंस थे उस दौरान उन्होंने आक्रमण किया होगा इन लोगों पे, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों पर, और इसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया। सम अदर्स थिंक दैट द सिविलाइजेशन कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक्स और फ्लड्स। कुछ लोग सोचते हैं कि नेचुरल डिजास्टर उस दौरान आ जाता है ना, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, भूखमरी आ गई और इसकी वजह से सब तहस नहस हो गया। It is also possible that the rivers might have changed their courses. The result was that this turned into a desert. ऐसा भी हो सकता है कि जो नदी उस दौरान थी इंडस नदी, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया होगा और फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर भूखमरी छा गई होगी और एक रेगिस्तान बन गया होगा और इस वजह से डिक्लाइन हो गया इस सिविलाइजेशन का। नो मोर द एक्सकेवेशन सजेस्ट द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिस्ट्रॉयड ओवर एंड ओवर अगेन and was rebuilt 9 times at the same site. अब देखो एक्सकेवेशन हमें ये बताता है कि मोहनजोदारो 9 बार उसको ध्वस्त किया गया था और फिर से 9 बार उसको बनवाया गया था उसी सेम जगह पर। तो इससे क्या पता चलता है, ध्वस्त वो कैसे हुआ होगा, या तो नेचुरल डिजास्टर से ध्वस्त हुआ होगा या तो बाहरी किसी के आक्रमण की वजह से ध्वस्त हुआ होगा। चलो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन and decline of trade also could have forced the people to migrate to safe areas. अब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो वहाँ पर resources कम होने लगते हैं, है ना, तो लोग वहाँ से एक दूसरे जगहों पर पलायन कर गए होंगे, migrate कर गए होंगे, चले गए होंगे। The cause of the end of this civilization could have been a combination of some of the above factors. तो इन्हीं वजह से decline हुआ होगा। It could not have been sudden, या अचानक से नहीं हुआ होगा, but whatever be the reason, they have shown us how to build clean and beautifully planned cities and live in harmony with nature. चाहे जो भी reason होगा इस civilization के end होने का, लेकिन वो हमें क्या सिखा के चले गए, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे आपको एक comfortable life जीनी है well planned structure के साथ, शांति के साथ समझौता करके society में रहना है। They have left behind a great wealth of knowledge for us to admire and learn from. और इसके तहत वो लोग हमारे पास क्या छोड़ के चले गए, वो हमें ज्ञान छोड़ के चले गए कि उन ज्ञान को हम अर्जित करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। चलो नो मोर में आ जाओ। Egyptian civilization was a contemporary Bronze Age civilization which flourished on the banks of the river Nile. अब नील क्या है, सबसे बड़ी नदी है ना पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है रिवर नील। यहाँ पे भी आपको कॉन्टेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मिलता है। इजिप्टियन किंग्स वर कॉल्ड फाराओस, ठीक है, इनको हम लोग फाराओस कहते थे। देयर स्क्रिप्ट वॉज कॉल्ड हीरोग्लिफिक्स, ठीक है। द ग्रेट पिरामिड्स वर बिल्ड बाय द फाराओस टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज ऑफ द किंग्स। तो बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए हैं और प्रिजर्व किया गया है राजाओं के डेड बॉडीज को बचाने के लिए। दे आर कॉल्ड ममीज, और इसी को हम लोग ममीज के नाम से जानते हैं। देखो कैसे राजाओं को बचाने के लिए मतलब ममीज बनाया गया है, उनके प्रिजर्व किया गया उनकी डेड बॉडी को, फिगर में देख रहे हो।
चलो अब केस स्टडी पढ़ लेंगे हम लोग लोथल के बारे में और फिर यहाँ चैप्टर लोथल लोथल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लोथल के अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट सिटी है अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो। द मीनिंग ऑफ लोथल इन गुजराती इज द माउंट ऑफ द डेड विच इज नॉट अनयूजुअल एज द ओनली एज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इन सिंधी ऑल्सो मीन्स द सेम। तो लोथल का मतलब गुजराती में क्या है, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मतलब मरे हुए का भंडार, जो कि अनयूजुअल नहीं है बिकॉज मोहनजोदड़ो का भी सिंधी में यही नेम है, यही उसका भी मीनिंग यही है, मतलब मरे हुए का भंडार। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1954 बाई एसआर राव। ठीक है, तो एसआर राव ने 1954 में इसकी डिस्कवरी की, इसको खोजा। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कहाँ पे लोथल, गुजरात। And it is one of the India's most important archaeological sites that date from the Harappan era. और ये very important archaeological site है about Harappan era. Region around Lothal was rich in semi-precious stones. तो Lothal के around जो हम लोग को region मिलता है वो क्या था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में semi-precious stones मिलते हैं। Since it was an important item of trade, Lothal was famous for making objects of shell stones and metals. ठीक है, तो अब उस दौरान ये क्या था, ये जो metal था, स्टोन्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और इसीलिए लोथल में क्या क्या बनाया जाता था, शेल्स के ऑब्जेक्ट्स, स्टोन्स के ऑब्जेक्ट्स और मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स। देखो द लोथल डॉकयार्ड बना है फिगर में। लोथल हैज़ द रिमेन्स ऑफ अ लार्ज टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर विच कुड बी और डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल के जो बच्चे कुछ जो जगह हैं वो हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या है, अ लार्ज टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग ये समझ सकते हैं कि डॉकयार्ड है। Remains of a storehouse near this structure have also been found. तो remains storehouse का भी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। Lothal's dockyard connected the city to an ancient trade route between Harappan cities in Sindh and the peninsula of Saurashtra. तो local dockyard से क्या होता था, दो जगह जुड़ते थे, कौन कौन से, Harappan cities जुड़ते थे किससे, peninsula of Saurashtra से। इट वॉज़ अ वाइटल एंड थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पर क्या होता था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। विद इट्स ट्रेड ऑफ बीड्स, शेम्स एंड वैल्यूएबल ऑर्नमेंट्स रीचिंग द फार कॉर्नर्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो वेस्ट एशिया और अफ्रीका में क्या क्या व्यापार के तय जाता था, बीड्स हो गया, ठीक है, जेम्स हो गया, और वैल्यूएबल अदर ऑर्नमेंट्स, गहने वगैरह। ठीक है, लोथल्स पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्लीस्ट नोन पोर्ट्रेयल्स ऑफ रियलिज्म इन आर्ट एंड स्क्रप्चर telling some of the most well-known fables of today. Its scientists used a shell compass to study stars and navigation almost 2000 years before the Greeks. ठीक है, तो इस दौरान जो साइंटिस्ट थे वो क्या इस्तेमाल करते थे, शेल कंपास का इस्तेमाल करते थे स्टार्स और नेविगेशन के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि ग्रीक्स के 2000 साल पहले की पहले थे वो लोग। तो 2000 साल पहले की बात हो रही है, ग्रीक्स के 2000 साल पहले की बात। The techniques and tools they used for bead making and in metallurgy have stood the test of all time, all these years. ठीक, तो वो techniques और वो जो tools बनाने की जो वो लोग की technique थी, bead making की जो technique थी, metallurgy की जो technique थी, ठीक है, वो आज भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये chapter ख़त्म हो गया। अब आप लोग पढ़ोगे to remember, बस टू रिमेंबर बचा है आप लोगों को, दैट्स अ काइंड ऑफ रिविजन, वो पढ़ोगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।